आइए अपने मातम की निगाहों से देखें, खतीब इमाम मोहम्मद सलमान रजा साहब जो है सैयद अब्दुल मसीह साहब की शान पोशी कर रहे हैं। आप हजरात जो इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रसूल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, सैयद अब्दुल मसीह साहब किबला। बदीदे हादा में तशरीफ फरमा, बावकार उलमाए ज़बिल एहतराम, सादा बखेराम, कई में मसाजिद तालिबान मालवी या नबी क्या हाजरी ने जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। माशाअल्लाह, आप हजरात आज की शब में महफिल पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ फरमा हैं। हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की शब में महफिल नात रसूल में गुजर रही है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, अच्छे अच्छे सनाखान तशरीफ रखते हैं। हमारे छोटे भाई बिरादर नसबी मोहतरम सैयद मोहसिन साहब से भी आपने कलाम सुना होगा, मोहतरम इरफान बदहरी साहब की निजामत तो आप लोगों को पता ही है, माशाल्लाह पूरी आबोताब और जोश और बलबले के साथ ये महफिल अपनी मंजिल की तरफ फरमा दमा है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस वक्त मिली कि हमारे बहुत ही देरीना साथी, बड़े अच्छे दोस्त से आज मुलाकात हुई, तशरीफ फरमा है। ये हमारे बचपन के दोस्त काफ़ी ज़माने के बाद जो है आज मुलाकात हुई है, और चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो है इस्तिक़ामत अता फरमाए और क़ारी साहब के अमर में मुसाहत में बरकत अता फरमाए। जैसा कि इमाम साहब क़िबला भी मौलाना सलमान साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, मौलाना रिजवान अली साहब क़िबला भी तशरीफ़ रखते हैं। ये असल में हमारी तो कोई हैसियत है नहीं, लेकिन ये लोग अपना कीमती वक्त
इस महफिल के लिए दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनके आने को कबूल फरमाए और इनके उम्र में निशाहत में मराफिक में अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाए। आइए बिला किसी ताखीर के अदब एहतराम के साथ आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में दुरूद पाक करने पर आना बहावाज बदन नबी और आदम नबी पर पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद المعدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। मिलकर आवाज़ बना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मिलकर पढ़ेंगे। देखिए जैसे ये पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही सारे इंसानों का मिजाज भी अलग अलग होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा आप तमामी हजरात से, होता है किसी को गुस्सा बहुत है, किसी को आता ही नहीं है, कोई कम सुखन है, कोई बहुत बोलता है, बहुत सारे अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं। कोई मुस्कुराता ही नहीं है, कोई हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। तो सारे मिजाज जो हैं ख़त्म कर दीजिए, घर पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है मुस्कुरा कर बैठे और सुभान अल्लाह माशाल्लाह की सदाओं में ये महफिल जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहेगी इंशाअल्लाह। मैं क्या चाहता हूँ समझ गए आप ना, खाली आएंगे महफिल महफिल में तो सवाब और फैज सारा कुछ भर कर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھے صلی اللہ علیک یا حبيب الله تیرے قدموں غیر کام کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा आपा कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा और तेरी सरकार उसको शफी जो मेरा बॉस है और लाडला बेटा है तेरा
पड़े सल्लल्लाहु गया नाट लिखने के लिए नाट लिखने के लिए लफ्ज कहाँ से लाऊं नाट लिखने के लिए लफ्ज कहाँ से लाऊं दिल ये कहता है कि मैं पहले मदीने जाऊं दिल ये कहता है कि मैं पहले मदीने जाऊं निहाव जिक्रे मोहम्मद है निहाव जिक्रे मोहम्मद है आया जिक्रे मोहम्मद है निहाव जिक्रे मोहम्मद है आया जिक्रे मोहम्मद है यहाँ जिक्रे मोहम्मद है बगैर जिक्रे मोहम्मद अताएं ढूंढ लेती हैं जहां हो मुस्तफा वाले ढूंढ लेती है जगह मुस्तफा और करम भी देख लेता है करम भी देख लेता है जिक्रे मोहम्मद है बस्ती बस्ती परिया परिया सुभान अल्लाह आना जाना अच्छा गए बस्ती बस्ती परिया परिया आना जाना अच्छा गए कूचा कूचा नाट नबी का शेर सुनाना चाहे कूचा कूचा नाट नबी का शेर सुनाना चाहे काम जो घर घर झाड़ू पोछा
काम जो घर घर झाड़ू पोछा करने का मिल जाए हमें, शहर मदीना को जाने का ये भी बहाना अच्छा है, शहर मदीना को जाने का ये भी बहाना अच्छा है। बड़े सल्लल्लाहु وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فرمائشوں کی لسٹ جو ہے وہ میرے پاس پہنچ چکی ہے انتظامیہ کی طرف سے, جو فرمائشیں ہیں ماشاء اللہ یہ کے بعد بھی کریں, کوشش کروں گا کہ آپ کی فرمائش میں مکمل کر سکوں ان شاء اللہ. آئیے سب سے پہلے کلام کا آغاز کرتا ہوں کلام سیدنا عبد الرحمٰن جامی اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ جو ردیف ہے وہ یا رسول اللہ ہے. اس کی ردیف یا رسول اللہ اور ہجرا عیسیاں اور یہ جو ہے اسے قافیہ کہتے ہیں. ردیف یا رسول اللہ تو ردیف کا ورد آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ. تنم
चुस्तुए Yeah.
से मुर्दा बारा यार सोला यार सोला मौलाना मजहर बरकात की तशरीफ करते हैं अली सुल्तान साहब उनकी जो ख्वाहिश थी इस कलाम की मेरे जहन से उतर गया था। पढ़ते पढ़ते मुझे अली साहब का ख्याल आया कि मौलाना मजहर साहब अल्लाह ने मुझसे फरमाया था कि इनकी ख़ास फरमाइश है, इसीलिए APMC मार्केट से तशरीफ लाए हैं। माशा अल्लाह ताला अली साहब की उम्र में सेहत में तंदुरुस्ती में सरकत में ना फरमाया। आगे आदत के मुताबिक कलमुल इमाम इमाम सैयदी शाह इमाम अहमद रज़ा खान काबिल बरकत अलैहि से चंद अशआर तज़मीन पर कलाम अला हज़रत पेश करता हूँ। समाप्त फरमाए हमारे शहजादे दीवान भाई मुहतरम बाबू आरिफ सल्लम की ख्वाहिश है चंद चार समाज फरमाने पेश की नबी और आले नबी का दिन शरीफ में नजराना पेश ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں بڑا
तुझको रहमते हम तुझे हम रहमते चले हम सभी वाले हैं तम अपनी तुझे जो मेरा वो सिर्फ और
जो मेरा हौसला है और लाडला बेटा तेरा क्या जो नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा मुस्तफा ने सारे मिटा दिए दुख दर्द मुस्तफा ने सारे मिटा दिए राहत की चाम भर कर मुझको पिला दिए खुशियों को मेरे घर के रास्ते दिखा दिए हैं उनकी महक ने दिल के उलझे खिला दिए हैं उनकी महक ने दिल के मिलकर पढ़ ले उनकी रूहुल अमीन देखी रिफात पे उनकी आंखें किनकी आंखें रूहुल अमीन ने देखी रिफात पे किनकी आंखें मेरे मुस्तफा की आंखें किसने देखी जिब्रील अमीन ने उन आंखों में क्या था आखिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे मुस्तफा की उन आंखों में कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम समझते हैं ना एक पल में एक पल का भी करोड़ों हिस्सा ले लीजिए कम कर दीजिए जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गए उस निगाहें अनायत पे तो नाखों में क्या था रूहुल अमीन ने क्या समाप्त रूहुल अमीन देखी रिफात पे उनकी आंखें असरा की शब लगी थी उम्मत पे उनकी आंखें असरा की शब लगी थी उम्मत पे उनकी आंखें है मोमिनों तुम्हारी गुरबत पे उनकी आंखें जब आ गई है जो रहमत पे उनकी आंखें जब आ गई है जो
तुझे खिला दे। उनकी महक दिल के मुझे खिला दे। सरकार फरमाते हैं मंजारा कब्रान वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और मेरे आला हजरत को अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी बख्शे बख्शाए थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें मुजद्दिद बनाकर पैदा कर दिया। इसीलिए फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा है इसे काम लिल्लाह अंत में दुनिया से मुसलमान का। शायर कहते हैं अहमद रजा चले जब जन्नत कराने वाजी, पानी के रास्ते अहमद रजा चले जब जन्नत कराने वाजिब, तो आँखें थी सुए काबा तैबा पे दिल था रागी, आँखें थी सुए काबा तैबा पे दिल था रागी। तूफान जो घिर के आया तो बोले नबी के नाए पे नाते रसूल अकरम जब जब तावने पड़ी है। हजरत दाब नाम जो है ये मामूली शायर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दाब पहले भी कसी के आला हजरत ने भी अपने अशआर में किया है। और उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खान बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान के उस्ताद थे। सुभान अल्लाह। इस कलाम का जो वाता है वो दाम दहली में लिखा हुआ है। इस कलाम का जो वाता है माशा अहमद रजा की लिखी नाते रसूल दावने पड़ी है। जब दावने पड़ी है मबूत थे मुजस्सम, अपना कलम उठाया लिखा शरर ये उस दम ज
जिस राग चल दिए पूछे बस दिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो
हो चुनिनो चुनन अपने दो तुम्हारे लिए बफौरे सदा समाजे पढ़ा इस तरह उठा वो ऐश छुटा असो हो फे समाओ निसरदा किया हो जो असाओ तुम्हारे लिए मरहमते ते कच्ची मते न छोड़े लते न अपने गते उसूर करे और उसे भरे उसूर चेनाओ तुम्हारे लिए पना बदारत रखा बबारत जहर दो जहर फकिर दे सरत है पर कसी तुम्हारे से बच्चे के दोनों का भाव तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मरो तुम्हारे लिए कहो आपके नाम पर तो सारी तकलीफें कुर्बान है। सरकार फरमाते हैं मुबारकबाद है तुमको, बस मुलाकात होने की बात हुई। दूसरे दिन फांसी के फंदे पर ले जाया गया। अंग्रेजों ने ख्वाहिश पूछी, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो फरमाते हैं कागज और कलम चाहिए, ये आपकी ख्वाहिश। और फांसी के फंदे पर इस कलाम को लिखा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसकी कैफियत को देखें, उस वक्त को तसव्वुर में लाएं कि वो कैसा वक्त रहा होगा और कैसे आपने लिखा। सुभान अल्लाह, बचन के बोले सुभान अल्लाह।
फरमाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना रंग जाएगा बस रसूलुल्लाह का दीदे हसन में रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा नाम शाहते जब मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम حشر تک نہ موت فرج تن رہ جائے گا سبحان اللہ حشر تک نہ موت فرج تن رہ جائے अतलस और कमहार ये बहुत महंगे कपड़े हुआ करते हैं। अतलस और कमहार भी कपड़ों के नाम है। अतलस और कमहार की पोशाक पे रह जाएगा जो पढ़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर दुरूद जो पढ़े आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा Oh,
सब फना Oh,
कितने महबूब ने सरकार को इसलिए दोनों पहलू ने सदा रखा है, इसलिए दोनों को पहलू ने सदा रखा है। हिरनी सरदे देने गए हो کتنے محبوب ہیں سرکار کو ابوبکر و عمر اس لیے دونوں کو پہلو میں سلا رکھا ہے۔ اب آئیے کربلا سر کٹا کر تلاوت وہ کیا کرتے ہیں شیر سماعت فرما لیں مچل کے کہیں سبحان اللہ کلام ختم ہو گیا مکتا بھی پڑھ دیا ناصر صاحب کا لکھا ہوا کلام یہاں سے ہمارا شروع ہوا غوثِ اعظم کی ذرا شان ولایت دیکھو مثل رائی دو عالم کو اٹھا اور اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہم پر ہے نہیں ہے
मैं पैदा होता हूँ हो गया बरेली की जमीन पर न पैदा होता वो अगर भटकते हम इधर उधर जलील होते दर बदर मगर मगर खुदा का हो गया करम करम ने रख लिया हरम हमारे बीच आ गया रजा 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 तो एहसान है ना अपने मोहसिन अपने महसिन का तो भूले कभी आला हजरत ने जो जो बचा रखा है आला हजरत ने जो जो ये सब कहता है ना वही सुले बुली जो सबसे सुलभ है अल्हम्दुलिल्लाह हम मसल के आला हदे वाले दुश्मन ने रहमत पे शिद्दत की दी मुल्हिदों की क्या मुरव्वत की दी ऐस में चल जाए दीदों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत की दी मुझसे टकराया सुलह कुल्ली में हिम्मत है कहाँ मुझसे टकराया सुलह कुल्ली में हिम्मत है कहाँ नामे आखिर से उनसे मुझसे टकराया सुलह कुल्ली में हिम्मत है कहाँ नामे अख्तर से उन सब को हिला रखा है नामे ऐसे जल्द इसे उन सब को हिला रखा है हुआ जाए बसी अफ़दर पर
महफिल गौस है, बहुत सारे हबाब के खाबिश है, गौस पाक की शान में मनकब शरीफ की शान पेश करता हूँ। सेकेंड लास्ट कलाम, इसके बाद आखिरी कलाम इंशाल्लाह बहुत मुर्शिद सोना। पेश करूंगा, आप कुछ समझ रहे होंगे मुझे आवाज में इंशाल्लाह कुछ खराब नहीं आएगा, खांसी बहुत आ रही है। गौस पाक का खास करम है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब तो महसूस करते होंगे, मैं तो देखता हूँ लोग तो महसूस करते हैं ना कि फैजान जारी है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल, लेकिन मुझे दिखता है तो कैसे दिखता है समाज करने वालों की करामत रहमत नहीं बयान कर रहा हूँ, ये बोले कि फैजान कैसे दिखता है, वो ऐसे के नागपुर शरीफ में परसों की शब नागपुर शरीफ में था मैं, सरकार ताजुद्दीन बाबा अलैह रहमा की नगरी में, पढ़ने से पहले तक भी बिल्कुल गला जो है वो खत्म के बराबर था। अब हमारी बात नहीं हुई थी अल्ताफ भाई से, तो अल्ताफ भाई भी घबरा गए, फिर नागपुर वाले भी खोल के हुजूर फ्लाइट उतर गई, तो जैसे ही हमने कहा कि हाँ मैं आ गया तो वो भी घबरा गए, कहने लगे आपका गला कहाँ गया, आवाज़ बहुत सुंदर, यहाँ तक के उन लोगों ने प्रोग्राम बना लिया कि ऐसा करते हैं सैयद साहब को तकलीफ नहीं देंगे, अगर गला ठीक रहा तो सैयद साहब पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे दिन दिन में तहसील कर दी जाएगी। और जब हम वहाँ पहुँचे और उनका ही प्रोग्राम ये बना कि डॉक्टर साहब के होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद का फैजान, हुजूर ताजु शरिया की दुआएँ जो इस गुनाहगार के लिए मेरे मुर्शिद ने हाथ उठाया, मैं इस काबिल नहीं था लेकिन मेरे मुर्शिद ने मुझ फकीर के लिए दुआ की है, ये मैं तहदी से नेमत की खातिर भी कहता हूँ और मैं इस पर फख्र भी महसूस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुर्शिद की दुआ जिसे मिल जाए उसे कोई गिरा पाएगा, लल्लू पंजू बेशक। तो सिस्टम मुख्तसर ये कि उस महफिल में उसी शब में महफिल हुई, दो घंटा फकीर ने लेकिन देखा गया फैजान, यही मैं कह रहा हूँ कि हम तो देखते हैं, सब महसूस करते हैं, फैजान हम देखते हैं। और एक वाकया जो है मेरे जहन में आया, अगर आपको बारे गिराना गुजरे तो मैं पेश कर दूँ। जब मैं सैयदों के एहतराम के ताल्लुक से कह रहा था, बाद में पढ़ते पढ़ते मुझे वो वाकया याद आया, तो समाप्त करवा लें हरी शब्बीर साहब के लाल। एक सैयद साहब थे, पूरी बस्ती में मशहूर थे कि ये बहुत गुनहगार इंसान है, और उनकी खसूसियत ये थी कि वो कोठे पर जाया करते थे, कहाँ जाते थे, कोठे पर जाते थे। एक दिन जो है वो निकले सड़क पर, सामने से जो उस वक्त के जो राजा थे बादशाह थे वो भी अल्लाह वाले थे, उनका गुजर हुआ, तो सैयद साहब जो थे उन्होंने उनसे सलाम किया, भाई राजा है बादशाह है, तो जब उन्हें भी पता था कि कितना गुनहगार है, तो उन्होंने चेहरा फेर लिया, उन्होंने चेहरा फेर लिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। अब सैयद साहब को क्या फर्क पड़ने का है, वो भी अपना चले, कोई वो गए नहीं है, क्या वो तो माफ कर दीजिए क्या बात। सैयद साहब वो अपने रास्ते चल दिए, ये अपने रास्ते चल दिए। रात में बादशाह सलामत जब सोए तो हुजूर खाब में तशरीफ लाए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाब में तशरीफ लाए,
और सरकार दो आलम के दस्ते मुबारक में एक पर्ची थी जो बहुत सियाह थी, बिल्कुल काली पर्ची थी। जब पाशा सलामत ने देखा तो फौरन है हुजूर को सलाम पेश किया, तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया, हुजूर ने चेहरे मुबारक फेंक लिए। बादशाह सलामत कहते हैं हुजूर क्या गुस्ताखी भी, मुझसे माफ फरमा दे। सरकार फरमाते हैं कि मेरे शहजादे ने तुमसे सलाम किया तो तुमने चेहरा फेर लिया, इसलिए हमने भी तुमसे चेहरा फेर लिया। तो फरमाते हैं बादशाह सलामत कि हुजूर ये तो मशहूर है, पूरी बस्ती में पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि वो कितने गुनहगार हैं और वो कोठे तक पर जाते हैं वो, इस वजह से हुजूर मैंने अपना चेहरा फेर लिया। तो सरकार की आंखों में आंसू आए और वो आंसू उस पर्ची पर गिरे तो वो पर्ची बिल्कुल नूरानी शफाफ साफ हो गई। आप समझे वो सैयद साहब का अमालनामा था। आंसू गिरे वो पर्ची बिल्कुल साफ शफाफ हो गई, मुनव्वर हो गई। फिर हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं अपने उम्मती के लिए इतना रोता हूँ, उनकी बख्शिश की मुझे इतनी पड़ी है, तो क्या मैं अपने औलादों को नहीं लेकर जाऊँ? अपनी औलाद को क्या ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं? तुम उनके गुनाहों को देख रहे हो, ये देखो इसीलिए मैं कहता हूँ धोखे में ना रहे, कोई कुछ भी कहे आले रसूल की ताजी वाजिब है, वो उनका मामला वो देख लेंगे मैदान में, समझ रहे? अब आइए गौसे पाक की बारगाह में मनकबा शरीफ की चंद शाह पेश करता हूँ, समाज फरमा दे। फासिलों को खुदा रद्द कर दो, फासिलों को खुदा रद्द कर दो, जलियों पर निगाहें जली हैं, जली हैं जलियों पर निगाहें जली हैं, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, तुम हो से आज़म रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जलियों पर निगाहें जली हैं, जली हैं जलियों पर निगाहें जली हैं। ये कलाम भी लिखा हुआ है रसूल करीम हज़रत अल्लामा सैयद अली बरायपुरी अलैहि रहमतुल्लाह का लिखा हुआ ये कलाम लिखी आ रहे रसूल बचल के बोले Oh,
شاہ جیلا آج دیدار اپنا کرا دو چالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جمیلے جالیوں پر وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا رب سے ارزن سوڑا 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 سوڑا
वजीर कभी नजर इसलिए तो नशद पहला जाना जग राज को ताज पहले सर सोड तुझको शहीद सगा जाना अल बहर अला वह मौजूदा मत बे कसदू शुरू मजदाद में बिगड़ी है हवा कोई नहीं क्या पार पा जाना अदबी आतश बसा का इस पे पाक है अपने करम पर सनहार तब छमर बच पर सनहार तब छमर बच तब छमर बच छमर बच छमर बच छमर बच छमर बच जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में चल नहीं सकता औला है नहीं सोड़ा औला है नहीं सोड़ा तेरे खुदा सोड़ा Hey, that's all.
मौला सौरा हैदर मौला सौरा हैदर मौला सौरा 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 सैयद बसी सोना अंदाजे है सुहाना सैयद बसी तुम्हारा हर नाते खा दीवाना सैयद बसी तुम्हारा हाथों से जिसके गोशे नामों से मैशर मुख्तारे का नौनामा सैयद बसी तुम्हारा मौला मैं के रंग असली हुसैनी जलवे वो हर घड़ी लुटाना सैयद बसी तुम्हारा सुन करके जिसको अक्सर खुद झूमते थे अख्तर अख्तर सुन करके जिसको अक्सर खुद झूमते थे अक्सर वो नाते बंदो नामा सैयद बसी तुम्हारा मेरी समातों को आमिर नवाए कोई मेरी समातों को फकीरों के सरवर पे